बड़ी खबर, एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी, कई इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल। देखिए, लाहौर हवाई अड्डे के लाउंज क्षेत्र में भयंकर आग लग गई, जिसके बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई, जिसके कारण हज यात्रा के लिए पहली उड़ान सहित कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बाधित हो गई। एमरजेंसी उदारताओं की तीव्र कार्रवाई ने आग की लपटों पर काबू पा लिया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि इमिग्रेशन काउंटर की छत से लगी आग ने लाउंज को धुएं से भर दिया, जिससे यात्रियों को बाहर निकलना पड़ा। लाहौर हवाई अड्डे के लाउंज क्षेत्र में भयंकर आग लग गई, जिसके बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद हज यात्रा के लिए पहली उड़ान सहित कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बाधित हो गई। देखिए, आपातकालीन उदारकर्ताओं की तीव्र कार्रवाई ने आग की लपटों पर काबू पा लिया। वहीं बता दें, इस घटना का असर फ्लाइट शेड्यूल पर भी पड़ा है, जिससे पहली हज यात्रा और 5 अन्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में देरी हुई है। प्रभावित लोगों में कतर एयरवेज फ्लाइट QR629 भी शामिल है। बता दें, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जनता को आश्वस्त किया है कि इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन को घरेलू प्रस्थान लाउंज से प्रतिबंधित किया जा रहा है। आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। मैं बता दें, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने हाल ही में इस पैच मैं बता दें कि हाल ही में एक ऐसी घटना हुई, जिसके बाद देश में हर कोई जो है वो चौंक गया। बता दें कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइंस को अचानक अपनी 78 फ्लाइटें कैंसिल करनी पड़ गई थी, और इसका बड़ा कारण कर्मचारियों की कमी थी। दरअसल एयरलाइंस के क्रू मेंबर सामूहिक रूप से बीमारी की छुट्टी पर चले गए थे, जिसके कारण कंपनी को ये बड़ा कदम उठाना पड़ा था। इन सभी में खास बात ये थी कि ये कर्मचारी जो थे, उन्होंने लीव का कोई भी नोटिस नहीं दिया था। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इसके बारे में जानकारी दी थी कि सीनियर क्रू मेंबर्स के अचानक बिना नोटिस लीव पर जाने से अंतर्राष्ट्रीय घरेलू उड़ानों पर असर पड़ा है। मंगलवार रात से इसका विरोध भी किया गया। बता दें कि 78 फ्लाइट जो है वो कैंसिल करनी पड़ी। वही बता दें कि खबर है कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस में विलय होने वाला है, जिसका कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे हैं। दोनों एयरलाइंस के पायलट और केबिन क्रू को लग रहा है कि उनकी जॉब खतरे में है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि हमारे सीनियर केबिन क्रू के एक वर्ग ने कल रात से आखिरी मिनट में बीमार होने की सूचना दी है, जिसके कारण उड़ान में देरी हुई है और कई फ्लाइटें रद्द करनी पड़ी है। हम इन घटनाओं के पीछे के कारणों को समझने के लिए क्रू मेंबर से बात कर रहे हैं। वहीं हमारी टीमें यात्रियों को होने वाली असुविधा पर काम कर रही है। पत्नी की हत्या मामले में पति जेल में बंद। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल UAE खबर पर। देखिए, जिस पत्नी के अपहरण और हत्या के आरोप में पति 34 महीने से जेल में बंद था, वो महिला असल में जिंदा निकली। इस केस में उसकी सास भी 7 महीने से जेल में रह चुकी हैं। बता दें, गोपालगंज का ये पूरा मामला है और ये मामला काफ़ी हैरान कर देने वाला है। महिला अपने प्रेमी के साथ जिंदा मिली है। पुलिस ने महिला को यूपी के बलिया से बरामद किया है। नगर थाने की पुलिस ने कोर्ट में गुरुवार यानी कि 9 मई को महिला को पेश किया है। बता दें, यह पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के अरार मोहल्ले का है। बरौली थाना क्षेत्र के नदना गांव निवासी लता देवी की शादी नगर थाने के अरार मोहल्ले में वार्ड नंबर 28 निवासी सुनील चौहान के साथ हुई थी। शादी के बाद दो बेटियां हुई। एक बड़ी बेटी अपने मामा के पास रहती है, जबकि छोटी बेटी अपनी दादी व पापा के पास रहती है। 2016 में महिला ने प्रताड़ना का केस पति समेत ससुराल वालों पर किया था। इस मामले में लॉकडाउन के दौरान पति पत्नी में समझौता हुआ, महिला अपने ससुराल आकर रहने लगी। इधर लता देवी के भाई चंद्रभूषण प्रसाद ने 10 जुलाई 2021 को दहेज के लिए हत्या कर शव गायब करने का आरोप लगा दिया। 25 जुलाई 2021 को नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। केस में महिला के पति सुनील चौहान देवर और अन्य लोग के साथ सास आशा देवी समेत 5 लोगों पर कार्रवाई की गई। बताया जाता है कि ससुराल पक्ष के लोग की ओर से मिली कुछ जानकारी के आधार पर लता देवी को पुलिस ने बीते बुधवार यानी कि 8 मई को यूपी के बलिया से महिला को पकड़ लिया। उसे जिंदा देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। अब सवाल ये है कि लापरवाही से महिला का पति 34 महीने तक जेल में रहा है, सास भी 7 महीने से जेल में रह रही है, सूर की भरपाई कौन करेगा? बता दें, लता देवी को पुलिस
को बताया कि वह दूसरी शादी कर चुकी है। यूपी के बलिया में बस के ड्राइवर से उसने शादी करने की बात कही है। बताया गया है कि उनकी एक बेटी भी है। महिला ने कहा कि 2016 में दहेज के लिए प्रताड़ित करने का केस किया था। इसके बाद से ससुराल में यातना झेलनी पड़ रही थी, इसीलिए घर छोड़कर स्टेशन भाग गई, जहां बलिया के नागेंद्र सहनी ने सहारा दिया और वो अपने घर लेकर चला गया। उसी समय से उसके साथ रहने लगी। 4 महीने के बाद उससे शादी कर ली। दोनों पति पत्नी के रूप में बलिया में रहने लगे थे। पीड़ित ससुराल पक्ष के अधिवक्ता राजेश पाठक ने कहा कि महिला और उसके भाई ने कानून को गुमराह किया, अपहरण कर दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने भी इस केस की सही तरीके से जांच नहीं की और आनंद फानंद में गिरफ्तार कर महिला के पति को जेल भेज दिया। देखिए, केस को गंभीरता से नहीं लिया गया और लापरवाही हुई, जिसके कारण ये सब कुछ हुआ है। बता दें, महिला और शिकायतकर्ता पर अब केस चलाया जाएगा, लेकिन इससे क्या ही फायदा हो सकता है, क्योंकि अभी देख लीजिए, जो महिला हैं, जो महिला के पति हैं, उन्होंने 34 महीने जेल में बिताए हैं, जो कि एक बड़ी बात है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन की ताजा वर्ल्ड माइग्रेशन की एक रिपोर्ट 2024 के मुताबिक भारत के प्रवासियों के लिए संयुक्त अरब अमीरात सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। बता दें, हम बात कर रहे हैं कि ये सवाल किया गया कि यूएई में सबसे ज़्यादा कहाँ के कामगार या कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें एक रिपोर्ट में निकल कर सामने आया है कि भारत के लोग सबसे ज़्यादा यूएई में काम करने के लिए जाते हैं। बता दें, IOM द्वारा जारी रिपोर्ट में पता चला है कि साल 2020 में 34.7 लाख भारतीय संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे थे। दूसरे स्थान पर अमेरिका से 27 लाख और सऊदी अरब से 25 लाख लोग रह रहे थे। वहीं वैश्विक स्थिति देखें तो मैक्सिको के करीब 1.1 करोड़ लोग अमेरिका में रह रहे हैं। इसके बाद सीरियाई अरब गणराज्य से लेकर तुर्की और रूस से लेकर यूक्रेन गलियारे का स्थान है, जो बड़े पैमाने पर नागरिक अशांति और जंग की वजह से लोगों के विस्थापन के लिए जिम्मेदार है। हालांकि रिपोर्ट में यह नहीं दिखाया गया है कि किस देश के लोग भारत में सबसे ज़्यादा धन यानी कि पैसे भेजते हैं। विश्व प्रवासन रिपोर्ट मंगलवार को जारी हुई, जो IOM द्वारा साल 2000 से हर 2 साल पर जारी होता है। देखिए, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पिछले 50 साल से ज़्यादा समय से विश्व की आबादी में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या बढ़ी है। 1970 में कुल आबादी में प्रवासियों की हिस्सेदारी 2.3% ही थी, जो 2020 के मध्य से बढ़कर 3.6% हो गई। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को 2022 में रेमिटेंस से $111 अरब से अधिक मिले हैं, जो विश्व में सर्वाधिक है। भारत पहला देश है जिसे रेमिटेंस से एक साल में $100 अरब से अधिक मिले हैं। भारत के बाद धन पाने वाले देशों में मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और फ्रांस का स्थान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य देशों को मिलने वाले धन की स्थिति देखें तो भारत उनसे बहुत ऊपर है। भारत को $111 अरब मिले हैं और वह $100 अरब के आंकड़े पार करने वाला पहला देश बन गया है। साल 2022 में रेमिटेंस के मामले में मैक्सिको दूसरे स्थान पर रहा है और वह 2021 में चीन से आगे बढ़ने के बाद इस स्थान पर बना हुआ है, जो ऐतिहासिक रूप से भारत के बाद दूसरा बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा है। इसमें कहा गया है कि दक्षिण एशिया से सबसे ज़्यादा प्रवासी दूसरे देशों में गए हैं, जिसके कारण यहाँ पर धन प्रेषण सबसे ज़्यादा होता है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश प्रवासियों से धन पाने वाले देशों में टॉप देशों में शामिल है। इन इलाकों में सबसे ज़्यादा श्रमिकों का विस्थापन हुआ है और इस इलाके में विदेश से भेजा जाने वाला धन तमाम लोगों के लिए जीने का साधन बना हुआ है। वहीं श्रमिकों को तमाम तरह के जोखिमों से जूझना पड़ता है, जिनमें वित्तीय शोषण, आवृजन लागत के कारण ऋणग्रस्तता, भेदभाव